बेंगलुरु में पेपर लीक होने के बाद गुस्साए छात्र और अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी कोर्स के केमिस्ट्री के पेपर लीक हो गए और इसके बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। छात्र और पुलिस में झड़प की खबरें भी आ रही हैं। दोबारा पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, सड़कों पर बेंगलुरु के छात्र, एक नहीं बल्कि दूसरी बार पेपर लीक हुआ है, केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन के बाहर की प्रेमिसेस आप देखिए कि कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी कोर्स के केमिस्ट्री पेपर लीक होने के बाद क्या हो रहा है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, छात्र पुलिस में आप देखिए किस तरीके से झड़प हो रहा है। दोबारा पेपर लीक होने के बाद हालांकि परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गूफ अप हुआ है। इससे पहले भी एक बार पेपर लीक हो चुका है, पेपर लीक होने के बाद इसलिए छात्र गुस्साए हैं क्योंकि दोबारा पेपर लीक हुआ है। प्रसाद भोसेकर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रसाद भोसेकर, पहली बार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, दूसरी बार पेपर हुआ है लीक हुआ है, कौन दोषी है, छात्रों की क्या मांग है, क्या आप सड़कों पर देख रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, 10 दिन में दो बार एक ही पेपर केमिस्ट्री का लीक होना ये काफी जो है गलत बात है। और जिस प्रकार से री एग्जामिनेशन लगाया गया उसके बावजूद भी आज का पेपर लीक होना केमिस्ट्री का, ये 12th स्टैंडर्ड का, जहाँ पे कर्नाटक में पीयूसी बोला जाता है, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर, तो ये दूसरी बार लीक होना जरूर एक गंभीर जो मामला है। कांग्रेस की जो सरकार है उसके खुद मेंबर्स जो है पूछ रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को हट जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार प्रेशर बना रही है कि एजुकेशन मिनिस्टर को हटाया जाए और जो शिक्षा व्यवस्था है उसको ठीक किया जाए। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, एजुकेशन मिनिस्टर को सस्पेंड करने यहाँ पर छात्र देखिए उसकी मांग कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये नकल माफिया, शिक्षा माफिया का यहाँ पर इस पर हाथ जताया जा रहा है और यहाँ पर इसको पॉलिटिसाइज भी दिया जा रहा है, पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है। कर्नाटक की तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, कर्नाटक के बेंगलुरु में ये देखिए किस तरीके से यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ हुई है। काले झंडे लेकर छात्र बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों को उनके अभिभावकों का समर्थन मिल गया क्योंकि बहुत पैसे उन्होंने खर्च किए। पहले भी परीक्षा रद्द हुई, उसके बाद भी परीक्षा रद्द हुई, उसका कारण यही है कि पेपर पहले ही लीक हो जाता है। यहाँ पर नकल और शिक्षा माफिया किस तरीके से हावी है, कर्नाटक के प्री यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है।